दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह तीसरा भाग है कि मोटर को स्टार में चलाने का फायदा और नुकसान क्या है। हम मोटर को स्टार में क्यों चलाते हैं, तो इसको चलाने में फायदा भी है और नुकसान भी है हमारा। तो क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले हम फायदा देखते हैं। फायदा, चूंकि मोटर बड़ी है, चूंकि मोटर जो हमारी होती है वो 5 HP से ऊपर की मोटर होती है, तो इसलिए मोटर बड़ी हो गई। तो मोटर बड़ी है इसलिए मोटर को स्टार्ट करने पर मोटर का जो शुरुआती करंट होगा वह बहुत ज़्यादा होगा, वह लगभग 5 से लेकर के 10 गुना ज़्यादा होगा। जो मोटर का स्टार्टिंग जो करंट होगा वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उस करंट को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि अगर कंट्रोल ना किया जाए तो मोटर को वह जला भी सकती है, इससे हमारी मोटर जल भी सकती है। तो जब हम मोटर को स्टार में चलाते हैं तो स्टार में मोटर को कम वोल्टेज और कम करंट दिया जाता है। जब हम मोटर को स्टार में चलाते हैं तो हमको एक कॉइल को हमें 220 वोल्ट ही जाती है, तो मोटर में वोल्टेज कम जाती है और इसी वजह से इसमें करंट भी कम जाता है। इसी कारण से मोटर को हम हाई करंट से बचा पाते हैं, क्योंकि उसमें वोल्टेज और करंट दोनों ही कम जाता है। अब हम नुकसान को देखते हैं कि जब मोटर को चूंकि कम वोल्टेज और कम करंट मिलने के कारण पूरी क्षमता से और पूरी टार्क के साथ, मतलब जो उसकी टार्क है वह पूरा का पूरा नहीं मिल पाता है और पूरी क्षमता से भी वह मोटर नहीं चल पाती है, जिससे मोटर से जो काम लिया जा रहा है, मान लीजिए हम मोटर, ये हमारी मोटर है और इसके साथ जो भी चीज़ें इसकी पुली के साथ कनेक्टेड हैं, तो वह चीज़ चूंकि इसको ना पूरा टार्क भी नहीं है इसके पास और ना इसके अंदर पूरी क्षमता है, क्योंकि वोल्टेज तो हम कम दे रहे हैं और इसमें करंट भी कम आ रही है, तो उस समस्या की वजह से, कम क्षमता की वजह से वह कार्य जो होता है, मतलब इससे इस मोटर से जो हम कार्य ले रहे हैं वह पूरी तरह से हो नहीं पाता है पूरी क्षमता के अनुसार। हमारा जो काम होता है उतनी देर के लिए, जितनी देर के लिए मोटर स्टार में चलती है, तो पूरी क्षमता से वह कार्य भी नहीं हो पाता है। और इसमें फायदा ये होता है कि जो हाई करंट होती है उससे हम मोटर को बचा भी लेते हैं। तो यही दो कारण हैं मोटर के फायदे और नुकसान के। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।